आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए होती है तो आप जाके गूगल पे सर्च करते हैं। जैसे आपको जानना होगा कि विराट कोहली की कितनी सेंचुरी है, आप जाएंगे गूगल पे सर्च करेंगे। जब आप सर्च करेंगे तो आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो क्या टाइप करेगा। आप जाके सर्च कर सकते हैं विराट कोहली सेंचुरी, आप सर्च कर सकते हैं विराट कोहली के शतक। आप हिंदी में लिख सकते हैं, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, आप फ्रेंच में लिख सकते हैं, जर्मन में लिख सकते हैं। पर गूगल सर्च को कैसे पता चलता है कि आपके अकॉर्डिंग, आपके सर्च के अकॉर्डिंग वो कैसे रिजल्ट देता है? आप जैसे ही सर्च करते हैं वो हज़ारों और लाखों का लिस्ट आपको ला के दे देता है। आखिर गूगल सर्च कैसे काम करता है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसको देखिएगा। अगर वीडियो का टॉपिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इसमें सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात यह है कि गूगल अपने आप में एक वेबसाइट है, उसके बाद भी उसके अंदर इतने सारे वेबसाइट के इन्फॉर्मेशन कहाँ से आते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि गूगल इतने सारे इन्फॉर्मेशन लाता कहाँ से, इतने सारे वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाता है। इसमें क्या होता है, क्रॉलर्स का यूज़ किया जाता है। ये एक वेब प्रोग्राम्स होते हैं, इसमें क्या होता है, क्रॉलर्स क्या करते हैं, ये जाते हैं ये वेबसाइट्स पर जाके उसका इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। अब जैसे क्या हुआ कि बहुत सारी पब्लिकली जो अवेलेबल वेबसाइट्स होती हैं उनको जाके क्रॉलर्स देखते हैं, उसमें से जो इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको निकाल के अपने डेटाबेस में भेज देते हैं। फिर क्या होता है कि उसमें बहुत सारे लिंक्स भी होते हैं वेबसाइट में, जो दूसरे वेबसाइट के लिंक होते हैं। तो क्या होता है, वो दूसरे वेबसाइट के लिंक्स में जाते हैं, फिर वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, फिर दूसरे वेबसाइट्स में जो लिंक होते हैं वहाँ से तीसरे में जाते हैं। तो ये एक इन्फाइनेट प्रोसेस है जहाँ से वो वेबसाइट्स पर जा जाके आपको इन्फॉर्मेशन ला के देते हैं, और इस तरह से इनको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि बहुत सारे जो वेब डेवलपर्स होते हैं जिनका अपना वेबसाइट होता है, वो भी अपना सबमिट करते हैं गूगल के पास कि आप जाए आइए और मेरे वेब पेज को आप क्रॉल कीजिए और उसको जाके फिर गूगल सर्च में डाल दीजिए। तो इस तरह से भी होता है। ये जो क्रॉलर्स हैं ये नए वेबसाइट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं या उन वेबसाइट पर ध्यान देते हैं जो अभी अभी अपडेट हुए हैं, और उन वेबसाइट पर भी ध्यान देते हैं जो जिनकी लिंक डेड हो गई है उसे हटाते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम्स ये डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सा वेबसाइट को क्रॉल करना है, कब कब करना है, और उसमें से कौन कौन से पेजेस के इन्फॉर्मेशन लेने हैं। यानी कि इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें यह पता चलता है कि गूगल के अंदर पूरी दुनिया की जितनी वेबसाइट हैं उसके सारे इन्फॉर्मेशन नहीं हैं। गूगल के अंदर उतनी ही इन्फॉर्मेशन है जितनी वेबसाइट को वो क्रॉल करते हैं, यानी जितनी वेबसाइट को जाके वो डेटा वहाँ से फेच करके लाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग ब्राउज़र को यूज़ करते हैं, तो ब्राउज़र यूज़ करके हम कोई भी वेब एड्रेस डालते हैं, और जैसे ही डालते हैं तो क्या होता है, ब्राउज़र जाके सर्वर से उसका कंटेंट ले आता है और हमें डेस्कटॉप पर दिखा देता है, हमें सिस्टम पर दिखा देता है। इसमें भी क्या होता है कि जो क्रॉलर्स हैं वो जाते हैं वेबसाइट पर और वहाँ से कंटेंट निकाल के आते हैं। वो सारा कंटेंट नहीं निकालते हैं, वो क्या करते हैं कि उसमें से जो इंपॉर्टेंट की कंपोनेंट्स हैं जो उनके काम के हैं उसको निकालते हैं, जैसे कि उसका टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, उसमें इमेजेस क्या क्या हैं, उसमें वीडियोस क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ को वो निकाल के लाते हैं और सर्च इंडेक्स में डाल देते हैं। अगर हम लोग गूगल की सर्च इंडेक्स की बात करें, वो एक तरह की लाइब्रेरी है। तो जितने भी क्रॉलर्स वेबसाइट वेब पेजेस को जाके उसमें क्रॉल करते हैं, उसका कंटेंट लाते हैं, तो उसको सर्च इंडेक्स में डालते जाते हैं। तो इसका साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा है, उसमें बिलियन ऑफ साइट्स के इन्फॉर्मेशन उसमें डले हुए हैं, और इसका जो साइज़ होता है जो उसके डेटाबेस का वो काफ़ी बड़ा होता है। उसमें आपको करोड़ों GB का डेटाबेस होगा, बड़े बड़े सर्वर रूम्स होते हैं जिसमें ये स्टोर करते जाते हैं, और ये एक इनफाइनाइट प्रोसेस है। जैसे जैसे नई वेबसाइट बनती जाएगी वो उसको ऐड करते जाते हैं। गूगल के सर्च इंडेक्स को समझने के लिए आप उसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि आप कोई भी आपकी बायोलॉजी की बुक है या कोई भी बुक होती है तो उसके पीछे इंडेक्सिंग होती है। जैसे आप मान लीजिए आपका बायोलॉजी का बुक है और उसमें कोई टर्म है फोटोसिंथेसिस, अब उसमें क्या होगा कि आपको देखना है कि ये टर्म कहाँ कहाँ पूरे बुक में यूज़ हुआ है। तो आप बुक के पीछे जाते हैं और देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है कि उसमें कौन कौन से टर्म यूज़ हुए हैं। आप जाते हैं कि देखते हैं पी में फोटोसिंथेसिस होता है और उसमें लिखा होता है कि ये कौन कौन से पेजेस पे है, 250 होगा, 315 होगा, कुछ ऐसे करके पेजेस होंगे। तो जो गूगल का इंडेक्सिंग है वो ऐसे ही काम करता है। इसमें क्या होता है कि कीवर्ड्स अरेंज होते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन कौन से वेब एड्रेसेस हैं वो उसी तरह से लिखे होते हैं जैसे बुक में इंडेक्सिंग होती है, जो आपकी टर्म की होती है और टर्म के साथ जो आपका पेज नंबर की होती है, उसी तरह से ये इंडेक्सिंग काम करती है। इसके अलावा इसमें सर्च कंसोल का यूज करके जो वेबसाइट ओनर्स हैं वो गूगल को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि उनके वेबसाइट को किस तरह से क्रॉल किया जाए। उसके अलावा वो रिक्रॉलिंग का भी रिक्वेस्ट दे सकते हैं, वो सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि आप हमारे वेबसाइट को ऐसे क्रॉल कीजिए या उसको रिक्रॉल कीजिए, या वो ऑप्ट आउट कर सकते हैं, वो कहेंगे कि आप मेरे वेबसाइट को क्रॉल ही मत कीजिए, हमें गूगल के सर्च इंजन में नहीं जाना, आप क्रॉल मत कीजिए और हम अपना इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देंगे, ये सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। अब तो बात ये हो गया कि गूगल के पास इतने सारे इन्फॉर्मेशन आ गए और हम जा रहे हैं सर्च इंजन पर, गूगल के सर्च इंजन पर गए और हमने सर्च कर दिया। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि इनके पास तो इतने सारे करोड़ों अरबों इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन है और हम सर्च कर रहे हैं कुछ, तो वो कैसे इतने सारे इन्फॉर्मेशन को सॉर्ट करके इतना जल्दी हमारे पास इन्फॉर्मेशन लाएंगे जो हमारे लिए रिलेवेंट भी हो और यूज़फुल भी हो। इसके लिए क्या होता है कि वो गूगल के रैंकिंग का यूज़ करते हैं और रैंकिंग जो होती है वो एल्गोरिथम पर डिपेंड करता है। गूगल बहुत सारे एल्गोरिथम को यूज़ करता है रैंकिंग के लिए। तो अब हम लोग बात करेंगे कि गूगल का जो एल्गोरिथम है वो कैसे काम करता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है मीनिंग ऑफ अ क्वेरी। आप जनरली जब कोई चीज़ सर्च करते हैं तो गूगल ये समझना चाहता है कि आप क्या सर्च करना चाह रहे हैं। जैसे कि आप जाकर सर्च करते हैं विराट कोहली सेंचुरी, तो इसमें क्या हो सकता है कि आप स्पेलिंग मिस्टेक कर सकते हैं। मान लीजिए आपने सेंचुरी की स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, तो उसको इंटरप्रेट किसी तरह करना चाहता है कि आप कौन सा एग्जैक्ट वर्ड सर्च करना चाह रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, इनके पास एक सुनिनिम्स को अंडरस्टैंड करने की एक टेक्नोलॉजी होती है। जैसे कि आप किसी तरह का सर्च करते हैं, जैसे कि आपको बल्ब चेंज करना है, तो आप उसके लिए जाकर सर्च कर सकते हैं हाउ टू चेंज अ बल्ब। आप उसमें चेंज आप जाकर सर्च कर सकते हैं हाउ टू रिप्लेस अ बल्ब, दोनों का मतलब सेम होता है। तो इसके लिए दोनों के लिए जो सर्च रिजल्ट है वो सेम आने चाहिए। तो इसके लिए उनके लिए पास टेक्नोलॉजी है जो उसको सिनोनिम को अंडरस्टैंड करके उसका मीनिंग समझते हैं और उसके हिसाब से वो सजेशंस देते हैं। सिनोनिम्स के अलावा वो और भी चीज़ समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आपका जो सर्च है वो किस कैटेगरी का है, कोई पर्टिकुलर कैटेगरी का, स्पेसिफिक कैटेगरी का है या कोई ब्रॉडर कैटेगरी का है। अब उसमें वो कीवर्ड्स को देखते हैं, जैसे उसमें क्या क्या कीवर्ड्स हैं। अगर उसमें आपको कीवर्ड्स आ रहे हैं, जैसे कि आपको रिव्यू करके कीवर्ड आ रहा है, पिक्चर आ रहा है या ओपनिंग आवर्स करके कीवर्ड आ रहा है, अगर इस तरह का कीवर्ड आ रहा है तो वो एक तरह का स्पेसिफिक सर्च हो जाता है। उसके अलावा क्या होता है कि वो देखते हैं कि आप जो सर्च कर रहे हैं वो किस लैंग्वेज में सर्च कर रहे हैं। अगर आप हिंदी में सर्च कर रहे हैं तो जनरली जो रिजल्ट उसका देंगे तो हिंदी में देंगे। वो सोचेंगे कि यूजर चाह रहा होगा कि वो हिंदी में रिजल्ट आए, अगर आप फ्रेंच में करेंगे तो फ्रेंच में आपका रिजल्ट आएगा। इसके अलावा ये उस चीज़ पे भी ध्यान देते हैं कि जो आप कीवर्ड सर्च कर रहे हैं वो ट्रेंडिंग टॉपिक तो नहीं है। अगर वो ट्रेंडिंग टॉपिक है तो आप चाहेंगे कि उसका जो सर्च रिजल्ट है वो लेटेस्ट आए। अब जैसे कि क्रिकेट चल रहा है या कोई न्यूज़ है, कोई पॉलिटिकल न्यूज़ है, तो आप चाहेंगे कि उसका जो लेटेस्ट आ रहा है न्यूज़ वो मिले, या क्रिकेट का स्कोर है तो आपको लेटेस्ट स्कोर मिले। तो ये उस तरह से भी देखते हैं और जो लेटेस्ट चीज़ें होती हैं वो आपके सामने ला कर रखते हैं। इसमें अगला पॉइंट है रिलेवेंस ऑफ द वेब पेजेस। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप कोई कीवर्ड सर्च करते हैं तो क्या होता है, उस कीवर्ड को वेबसाइट की वेब पेजेस के जो कीवर्ड्स होते हैं उससे मैच कराए जाते हैं। अगर मैच हो जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये होता है कि जो आप सर्च कर रहे हैं वो उस पेज में होता है। तो वो सिंपल कीवर्ड मैचिंग नहीं करते हैं, बल्कि उसके लिए वो मशीन लर्निंग का यूज़ करते हैं। अब इसमें एक बात और होती है, जैसे आपने किसी डॉग कीवर्ड को सर्च किया और आप सर्च कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप उससे कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट चाह रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि वो वैसे वेबसाइट को नहीं डालते हैं जिसमें 100 बार किसी ने डॉग डाल दिया और कीवर्ड मैच हो गया है। वो वैसे वेब पेजेस को देखते हैं जिसमें आपका जो मीनिंगफुल जो आंसर होता है वो उससे मिलता है। जैसे कि अगर डॉग का इमेज है या वीडियोस है या ब्रीड्स है, उस तरह के अगर इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं तो ये उसको लेते हैं, ना कि सिर्फ ऐसे वेब पेजेस को उठाते हैं जिसमें 50 बार 100 बार किसी ने डॉग डाल दिया, तो उससे कोई मीनिंगफुल आंसर नहीं आता है। इसमें अगला पॉइंट है क्वालिटी ऑफ द कंटेंट। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, बहुत सारे की अच्छी होती है। तो इसमें ये पता करते हैं कि इसकी किस पेजेस की क्वालिटी अच्छी होती है और उसको प्रेफरेंस देते हैं, और जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती उसको प्रेफरेंस नहीं देते हैं। अब ये कैसे पता चलता है? अब जैसे कोई भी वेब पेज है जिसको बहुत सारे लोग विजिट कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी अच्छी मानी जाती है। उसके अलावा क्या होता है कि बहुत सारी जो फेमस वेबसाइट्स होती हैं वो किन वेब पेजेस को अपने वेबसाइट में लिंक दे रहे हैं। जैसे कि कोई भी वेबसाइट है वो लिंक कर रहा है कि इस वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हैं, मतलब कि क्या हो कि वो बता रहे हैं कि ये वेबसाइट अच्छी है और हम अपने वेबसाइट से उस वेबसाइट को लिंक कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि उसको पता चलता है कि वो वेबसाइट अच्छी है। उसके अलावा क्या है कि बहुत सारे लोग फीडबैक देते हैं वेबसाइट के बारे में, जिससे भी इंफॉर्मेशन मिलता है कि वो वेबसाइट ट्रस्टवर्दी है। तो वैसे वेबसाइट्स को जो गूगल का सर्च है वो प्रेफरेंस देता है। इसमें अगला पॉइंट है यूजेबिलिटी ऑफ वेब पेजेस। अब इसमें क्या होता है कि जो गूगल का सर्च है वो इस बात पे भी ध्यान देता है कि जो यूज़र एक्सपीरियंस है उस वेबसाइट का वो कैसा चल रहा है। अब जैसे वो इस बात का ध्यान देते हैं कि वो जो वेबसाइट है वो अलग अलग ब्राउज़र पे अच्छे से खुलता है कि नहीं खुलता है, बहुत तरह के ब्राउज़र हैं, सब उसको खोल पाते हैं कि नहीं खोल पाते हैं, उनका जो रीअरेंजमेंट है वो अच्छा है कि नहीं, यूज़र फ्रेंडली है कि नहीं। उसके अलावा वो ये भी देखते हैं कि जो अलग अलग साइज़ के जो हमारे मोबाइल्स आ गए हैं, टैब्स आ गए हैं, फिर डेस्कटॉप है, फिर लैपटॉप है, ये सब पे अच्छे से खुलता है कि नहीं। उनका मेन इंटेंशन ये होता है कि वो इस बात का पता करें कि जो यूजर अलग अलग डिवाइस को यूज करेंगे ये सब पे कंसिस्टेंटली चलता है कि नहीं चलता है। अगर ये सब पे कंसिस्टेंटली चलता है मतलब ये अच्छा है, अगर सब में नहीं चलता है तो उसको प्रेफरेंस कम मिलता है। इसमें अगला पॉइंट है कॉन्टेक्स्ट एंड सेटिंग्स। इसमें क्या होता है कि आप कहाँ से सर्च कर रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा आपका जो प्रीवियस सर्च हिस्ट्री क्या है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा क्या होता है कि आपने सर्च के सेटिंग्स में क्या क्या डाल रखा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अब सोचिए कि आप अगर इंडिया में बैठ के आप क्रिकेट सर्च करते हैं तो कहीं ना कहीं आप इंडियन क्रिकेट के बारे में सर्च करना चाह रहे होंगे, या फिर आप IPL के बारे में
सर्च करना चाह रहे होंगे या डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में सर्च करना चाह रहे होंगे तो ये लोकेशन वाइज लेता है। यही अगर आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए और ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट सर्च करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के या डोमेस्टिक के बारे में या वहाँ का बिग बैश लीग के बारे में सर्च कर रहे होंगे, ये चीज़ होता है। उसके अलावा क्या होता है कि आप सर्च के सेटिंग्स में आप क्या क्या सेटिंग करके रखें उसके अकॉर्डिंग आपका सर्च रिजल्ट आता है। अब दूसरी चीज़ क्या होती है कि जैसे आप बार्सिलोना सर्च कर रहे हैं तो बार्सिलोना शहर का भी नाम है और एक फुटबॉल लीग का भी नाम है, तो इस पर डिपेंड करता है कि अगर आपने पहले शहर के बारे में सर्च कर रखा है तो आपको हिस्ट्री से उठा के शहर का रिजल्ट दे देगा। अगर आपने बार्सिलोना के मैच का बार्सिलोना वर्सेज रियल मैड्रिड मैच आपने पहले सर्च किया है तो हो सकता है कि आपको उस सर्च के अकॉर्डिंग आपको डायरेक्टली बार्सिलोना रियल मैड्रिड का मैच हो या बार्सिलोना का किसी और के साथ मैच हुआ तो उसका रिजल्ट दे दे। तो इन सारे चीज़ों पर यह सब डिपेंड करता है। इसमें अगला पॉइंट है स्पैम एंड फ्रॉड वेबसाइट्स। अब दुनिया में क्या है कि लाखों वेबसाइट्स डेली बनती हैं तो उसमें बहुत सारे स्पैम वेबसाइट्स भी बनते हैं, फ्रॉड वेबसाइट्स भी बनते हैं, और क्या होता है कि वो भी क्रॉलिंग का रिक्वेस्ट कर देते हैं या गूगल गलती से उन्हें क्रॉल कर लेता है और उनका डेटा ले लेता है। तो उसमें क्या होता है कि इनको अपने तरफ से काफ़ी सावधानी करनी पड़ती है, वो काफ़ी कोशिश करते हैं कि अपने साइड से वो अपने फ्रॉड से और जो स्पैमर्स हैं उनसे आगे रहें। अगर उनका वेबसाइट क्रॉल कर रहे हैं तो वो वहीं पर उनको पकड़ लें या फिर वो अपने तरफ से चेक करते रहते हैं ताकि वो आपको जो आपका रिजल्ट है उसमें आपको स्पैम वेबसाइट्स या फिर फ्रॉड वेबसाइट्स आपको सर्च रिजल्ट में ना दें। एल्गोरिथम के बाद अब हम लोग यूजफुल रिस्पांस के बारे में बात करेंगे। अब क्या होता है कि जैसे ही हम लोग कोई चीज़ सर्च करते हैं तो क्या है गूगल हमें लिंक दे देता है, पर लिंक सफिशिएंट नहीं होता है। बहुत बार हम लोग ऐसा चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसे चीज़ें मिल जाएं जो हमारे लिए डायरेक्ट यूजफुल हो, हमें फिर से लिंक में जाने की जरूरत नहीं पड़े। ऐसा जनरली कब होता है कि अगर कोई यूज़र मोबाइल यूज़ कर रहा है तो उसको क्या है कि मोबाइल में इंटरनेट पैक होता है, आप कहीं रास्ते में हैं कहीं पे तो आपको इंटरनेट का स्पीड स्लो होता है फास्ट होता है, तो आपको जनरली क्या होता है कि आप चाहते हैं कि आपको जल्द से जल्द आपका रिजल्ट यानी जो आप सवाल कर रहे हैं जो आप सर्च कर रहे हैं उसका आंसर मिल जाए। तो इसके लिए क्या है यूजफुल रिस्पॉन्स बहुत काम आता है जिसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट है नॉलेज ग्राफ। जनरली क्या होता है कि अगर आप कोई सवाल जाकर सर्च करते हैं गूगल पे तो आप चाहते हैं कि उसका आपको क्विक आंसर मिल जाए। तो आप जैसे सर्च करते हैं कि एफिल टावर कहाँ है, उसकी हाइट कितनी है या फिर वो कब ओपन हुआ था, तो क्या होता है कि नॉलेज ग्राफ के थ्रू आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाता है और आप उसको रीड कर सकते हैं और उसके बाद अगर आप चाहें तो उसको आगे जाके लिंक पे क्लिक करके उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, उस पर और डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें अगला पॉइंट है डायरेक्शन एंड ट्रैफिक। जनरली क्या होता है अगर हम गूगल सर्च पे जाते हैं और हम अगर किसी एड्रेस को सर्च करते हैं तो हम नहीं चाहते हैं कि उससे रिलेटेड हमें लिंक मिले, हम चाहेंगे कि वो एड्रेस कहाँ है या वहाँ हम कैसे पहुँच सकते हैं हम ये जानना चाहेंगे। जैसे कि अगर हम ताजमहल सर्च कर रहे हैं या फिर कनॉट प्लेस सर्च कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि वो कहां पे उसका लोकेशन मिल जाए या वहां हम कैसे पहुंच सकते हैं उसका डायरेक्शन मिल जाए। इसके लिए क्या किया गूगल ने, उसके लिए एक मैप बनाया है, तो आप जैसे ही सर्च करते हैं तो आपको सामने में मैप आ जाता है जिस पे आप क्लिक भी कर सकते हैं, उसको ड्रैग कर सकते हैं, तो इसे आप आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं उसके डायरेक्शन को, उसके एड्रेस को। इसमें अगला पॉइंट है डायरेक्ट रिजल्ट्स। जनरली क्या होता है कि अगर आप कोई भी चीज सर्च करते हैं तो आप चाहते हैं कि उसका रिजल्ट डायरेक्ट मिल जाए। अब जैसे कोई थर्ड पार्टी की चीज है, जैसे कि कोई मैच चल रहा है तो आप मैच का स्कोर जानना चाहते हैं, या फिर क्या है कि अगर आपका वेदर कंडीशन है, आप वेदर के बारे में जानना चाहते हैं, तो क्या आप डायरेक्ट सर्च करते हैं, तो आप सर्च करके ये नहीं चाहेंगे कि आपको लिंक्स मिले फिर आप उस लिंक पे जाएं। तो गूगल ने क्या किया कि कुछ कंपनी से टाई अप कर लिया है, जो जो अगर स्पोर्ट होता है तो स्पोर्ट्स वाली कंपनी से टाई अप कर लेते हैं, वेदर है तो वेदर की कंपनी से टाई अप कर लेते हैं। तो जैसे ही आप सर्च करते हैं तो आपको सर्च के ऊपर डायरेक्टली आपको दिख जाता है कि आप क्या सर्च करें, उसका रिजल्ट आपको दिख जाता है। अगर स्कोर है तो आपको सामने में स्कोर दिख जाएगा, वेदर का है तो आपको सामने वेदर का कंडीशन दिख जाएगा। इसमें अगला पॉइंट है फीचर्ड स्निपेट्स। जनरली क्या होता है कि अगर हम कोई सवाल करते हैं तो हम चाहते हैं कि उसका आंसर हमें जल्दी इससे और आसानी से मिल जाए। तो इसमें क्या होता है गूगल क्या करता है कि जो हमारा जो एल्गोरिथम के हिसाब से जो हमारा वेबसाइट आता है उसका लिस्ट लाता है और उसमें जो टॉप वेबसाइट आती है उसमें से क्या करता है, उसमें से वो कुछ कंटेंट निकाल के हमें सामने रख देता है। तो जो हम सवाल करते हैं तो उसका थोड़ा जवाब हमें सामने में दिख जाता है। तो बहुत बार क्या होता है कि हमारा काम उसी से हो जाता है और हमें लिंक में आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें अगला पॉइंट है रिच लिस्ट। जनरली क्या होता है अगर हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो उसमें काफ़ी यूजफुल होता है अगर हम उससे रिलेटेड और भी चीज़ें मिल जाएँ। जैसे कि हम कोई भी आदमी के बारे में सर्च कर रहे हैं या प्लेस के बारे में या किसी थिंग के बारे में, तो उससे कनेक्टेड चीज़ें अगर हमें सामने में मिल जाए तो ज़्यादा यूजफुल होता है। जैसे कि अगर हम जाके गूगल पे सर्च करते हैं कि बेस्ट एक्शन मूवीज ऑफ 2019, तो आप सर्च में देखिएगा आपको एक लिस्ट मिल जाएगा जिसमें आपको पूरी मूवीज़ का लिस्ट मिल जाएगा। या आप जाके सर्च करते हैं थिंग्स टू डू इन बैंगलोर, तो उसमें आपको जाके अलग अलग जगह मिल जाएगी जहाँ जहाँ आप जाके घूम सकते हैं। तो क्या है कि रिच लिस्ट आपको गूगल बना के देता है, ये काफ़ी यूजफुल होता है। इसमें अगला पॉइंट है डिस्कवर। जनरली क्या होता है अगर हमें कोई पर्टिकुलर सर्च नहीं करना होता है लेकिन
हम जानकारी रखना चाहते हैं कि कुछ चीज़ों के बारे में जिसके बारे में हमें इंटरेस्ट होता है या जो हमसे जुड़ी चीज़ें होती हैं, तो हम जब गूगल का एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो उसमें हम ये इस फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। डिस्कवर में क्या होता है कि जो चीज़ आप देखते हैं आपको उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलता जाता है, उसके अलावा आप उसको कस्टमाइज़ करके आप देख सकते हैं आपके लिए जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज़ करके उसको यूज़ कर सकते हैं। जब हम लोग गूगल सर्च यूज़ करते हैं तो हम लोग कभी नहीं सोचते हैं कि इसके बैकग्राउंड में क्या क्या हो रहा होगा, हम लोग सिंपली सर्च करते हैं और हमें रिजल्ट मिल जाता है। उसके अलावा जो गूगल सर्च में होता है कि डेली ऐसे सर्च होते हैं कि 15% सर्च ऐसे होते हैं जो कि नए होते हैं, जो कि पहले गूगल में कभी नहीं हुए होते हैं, ये भी एक आश्चर्य की बात है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।